आज सीखेंगे चेउआ बनाना, जो यूपी और बिहार में बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए हम एक कप चावल का आटा लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको सादा भी बना सकते हैं, बिना नमक डाले या बिना कसूरी मेथी डाले। अब गरम पानी लेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको चलाएंगे चम्मच से, क्योंकि पानी गरम रहता है इसका। पानी जितना गरम रहेगा इतना ही ये सॉफ्ट आटा तैयार होगा। अब ऐसी लोइयां काटेंगे और सारे चेउआ को बना लेंगे। हम इसको चेउआ बोलते हैं। ये जो सेब दे रही हूँ इसको, इसको हम चेउआ बोलते हैं। एक भगोनी में पानी गरम कर रखी हूँ और ऊपर से हमें पानी गरम हो रहा है और इसको हमें स्टीम करना है। आंच तेज़ी रखना है जब स्टीम करेंगे तो, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसको, जब ये पक जाएगा तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं तेल में। अब ये चेउआ हमारा तैयार हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट सा हमारा चेउआ बनके तैयार हुआ है। अब इसको गार्निश कर लेंगे।